पॉपलीटियस मसल को ट्रेन करना क्यों जरूरी है, एक छोटी सी मसल का क्या रोल है एसीएल रिहैब के दौरान, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो जब भी कोई एथलीट ग्राउंड पर आता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले और किक, तो आपका जो फुट का मूवमेंट के साथ साथ आपकी नी का भी मूवमेंट होता है, नी भी रोटेट करती है, जिसे हम टीबियल रोटेशन बोलते हैं। वो एक छोटी सी मसल कंट्रोल करती है इस मूवमेंट को, जिसे हम पॉपलीटियस मसल बोलते हैं। अगर आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाना चाहते हो एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद, तो मेक श्योर कि आप इस मसल को ट्रेन करना नहीं भूलें। आपकी फुट की रोटेशन के साथ साथ आपकी टीबियल की रोटेशन भी होती है। अगर आप अपने इस मसल को ट्रेन नहीं करते हैं तो सारा लोड आपके एंकल पे आता है, और जिसकी वजह से सारा लोड आपका नी लेता है, क्योंकि आपके टीबियल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप अपनी पॉपलीटियस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पॉपलीटियस मसल की, तो जो सारा लोड है आपकी पॉपलीटियस मसल आपके टीबियल रोटेशन के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से आपकी एसीएल की री इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके मेनिस्कस पे भी कम लोड आता है। तो पॉपलीटियस मसल की कौन सी ऐसी 3 बेस्ट एक्सरसाइज करें, उसको देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको एक लाइटेस्ट ट्यूब बैंड लेना है, जस्ट पैरेलल टू योर फीट आपको ऐसे साइड में सिधाई में एक बैंड को बांधना है, और आपको टीबिया का एक्सटर्नल टू इंटरनल रोटेशन करना है लाइक दिस। सो फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज आपको ऐसे क्वाड्रपुट पोजिशन में रहना है, आपको टीबिया को इंटरनली रोटेट करना है, नी को बेड पे प्रेस करते हुए यू हैव टू प्रेस द नी डाउन ऑन द एज ऑफ द बेड और जस्ट रोटेट। सो फॉर द थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज स्टैंड इन दिस पोजिशन, इस पोजिशन में खड़े रहना है, अफेक्टेड लेग आपका फॉरवर्ड रहेगा, टीबिया का इंटरनली रोटेशन करना है, मूव योर टीबिया इंटरनली एंड देन पुश योर नी टुवर्ड्स योर टो। इंटरनली रोटेशन ऑफ योर टीबिया को मेंटेन करते हुए आपको पुश करना है, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड, पुश योर नी टुवर्ड्स योर टो, मेक श्योर आपका हील रेज नहीं होना चाहिए एंड देन कम बैक अगेन, रोटेट योर टीबिया, पुश योर नी टुवर्ड्स योर टोस, धीरे धीरे लंज पोजिशन में आना है, मेक श्योर अफेक्टेड लेग का हील रेज नहीं हो। एसीएल इंजरी या एसीएल रिहैब से रिलेटेड आपकी कोई और भी क्वेरीज है, सो प्लीज़ डू शेयर विद अस।